हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रोसरी बैग कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ बैग 16 इंच, विड्थ ऑफ बैग 10 इंच, विड्थ ऑफ मिडिल पार्ट 4 इंच एंड लेंथ ऑफ मिडिल पार्ट 34 इंच। तो ये मैं समझाती हूँ, ये इस प्रकार का एक बैग बनेगा। जो साइड के पीसेस हैं वो हमने 4 कट करने हैं और सेंटर पार्ट हमने 2 पीसेस में कट करना है। तो सबसे पहले मैं साइड पार्ट की कटिंग करूंगी। ये मेरा फैब्रिक है जो 2 लेयर्स में रखा है, तो इसमें हम लेंथ प्लस 2 इंच का मार्क लगाएंगे। लेंथ है 16, उसमें 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18 इंच। और विड्थ है हमारी 10, तो 10 में भी हम 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12 इंच। ये 2 इंच हम स्विंग सीम के नाम का लेते हैं। ऐसे ही हम ये इस प्रकार बॉक्स बनाएंगे और इनकी पहले 2 पीसेस की कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम 2 पीसेस इनर पार्ट के लिए और काटेंगे। आप चाहो तो अलग फैब्रिक का भी इनर पार्ट काट सकते हो। मैं इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट करके 2 पीसेस कट करके नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। बैग के 4 साइड पार्ट्स कट करने के बाद अब हम इसकी मिडिल पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए 2 पीसेस कट करने हैं, तो विड्थ में हमारे पीस हैं 4 इंच, तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 इंच। और लेंथ हमारी है 34 इंच और उसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36 इंच। मैं ऐसे बॉक्स बना करके ये 2 पीसेस भी कट कर लेती हूं। अब हम रेक्टेंगुलर पीस लेंगे और इसमें हम चारों तरफ 1.5 इंच के मार्क लगाएंगे और बॉक्स बनाएंगे। मैं ये लाइंस कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। इसी प्रकार के बॉक्स हम दूसरी साइड पीस पे और एक मिडिल पार्ट पे भी बनाएंगे और इसी मेजरमेंट की हम ये फोम भी कटिंग करेंगे। 1 पीस फॉर द मिडिल पार्ट और 2 पीसेस साइड पार्ट के लिए। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूं। फोम पीसेस की कटिंग करने के बाद अब हम रेक्टेंगुलर पीस लेंगे, इसका रॉन्ग साइड, उसके ऊपर हम ये फोम पीस रखेंगे और उसके ऊपर हमने जो ये बॉक्स बनाए थे ये वाला पीस रखेंगे और इसको एडजस्ट करके इसको चारों तरफ से पिन अप करेंगे और इस पर हम जिगजैग स्टिचिंग करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ये जिगजैग तीनों पीसेस में हम करेंगे, दोनों साइड पीस और मिडिल पीस में। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें बैग का हैंडल कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊँ। तीनों पीसेस में जिगजैग स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस लेंथी पीस पर आते हैं। इसमें हम दोनों कॉर्नर से 2.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे, ऐसे लेंथवाइज।
और इधर से हम इनर साइड में 1 इंच का मार्क लगाएंगे और इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे ऐसे स्लांट मैनर में, और ऐसा हम ऑपोजिट साइड भी करेंगे और इस पार्ट की हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह हम ऑपोजिट साइड भी करेंगे। अब हम इस रेक्टेंगुलर पीस को लेंगे, इसका पहले हम लेंथ वाली साइड से सेंटर निकालेंगे, उसके बाद हम इस साइड से 4 इंच के करीब एक मार्क लगाएंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। और अब इधर से हम 1.5 इंच का मार्क देंगे। ये मार्क आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस मार्क से इस मार्क तक हम या तो स्लांट या हल्का सा रोटेशन, दोनों तरह के हम ये बैग बना सकते हैं। मैं इसको स्लांट रखती हूं इस प्रकार से, और इधर भी मार्क लगा करके इन दोनों पार्ट्स की कटिंग कर देंगे। और ऐसा ही हम इस दूसरे रेक्टेंगुलर पीस में भी करेंगे। इसके बाद हम इस सेंटर लाइन को थोड़ा और लेंथी करेंगे और टॉप से 2 इंच का मार्क लगाएंगे लेंथ वाइज, और इस सेंटर से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और इस लाइन की कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैग का कैरी पार्ट हो जाएगा, और ऐसा हम दोनों साइड वाले पीसेस में करेंगे। इस पीस को हम ऐसे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में कट करेंगे। ये हो गई हमारी बैग की कटिंग कंप्लीट। अब स्टिचिंग में सबसे पहले हम इस सेंटर पीस को रॉन्ग साइड से इस स्ट्रिप को ऐसे यहां स्टिच करेंगे हाफ ऊपर छोड़ते हुए, और उसके बाद इसको पलट करके ऐसे इसके ऊपर सिर्फ इस पोर्शन में स्टिच करेंगे, और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे। मिडिल पार्ट में इस प्रकार स्ट्रिप लगाने के बाद अब हम इसके इस हैंडल में भी स्ट्रिप लगाएंगे। बॉटम साइड में हम इसको हाफ इन इस प्रकार रखते हुए यहां से ऐसे स्टिच करेंगे और इसको रोटेट करके वापस यहां तक स्टिच करेंगे, और जब यहां पर आ जाएंगे तो हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये मैं आपको स्टिचिंग करना बताती हूँ। अब हम इसको इस तरफ रोटेट करेंगे और इस स्ट्रिप में ऐसे थोड़ा सा एंगल बनाएंगे इस प्रकार से, और अब इसको भी हाफ से ज्यादा इस साइड ले जाते हुए स्टिच करेंगे, फिर ऐसे रोटेट करेंगे और अब इस कॉर्नर में भी ऐसे ही एंगल बनाएंगे।
और अब इस तरफ भी इसकी स्टिचिंग करेंगे। ऐसा हम इधर भी कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने पर इस स्ट्रिप को हम थोड़ा आगे से कट कर देंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रख करके इसको इसकी स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड करेंगे और अब इसके चारों तरफ इसकी स्टिचिंग कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा हैंडल तैयार हो जाएगा। दोनों साइड पीसेस में हैंडल बनाने के बाद अब हम इनका सेंटर पॉइंट निकालेंगे बॉटम वाला, और ये जो हमारी मिडल पार्ट है इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। अब इस सेंटर को एक साइड के साइड स्ट्रिप से मिलाते हुए राइट टू राइट ऐसे मिलाएंगे और ऐसे यहां से स्टिच करेंगे और कॉर्नर बनाते हुए जहां तक ये हमारी ब्लैक स्ट्रिप जाएगी वहां तक स्टिच करेंगे, और ऐसा ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। मिडिल पार्ट को एक साइड पार्ट से स्टिच करने के बाद अब हम ये दूसरा साइड पार्ट लेंगे। इसका भी हम राइट टू राइट और सेंटर टू सेंटर मैच करके इस प्रकार से यहां से यहां कॉर्नर बनाते हुए इसको भी दूसरी साइड सिल देंगे और इसी प्रकार इधर भी सिल देंगे। ये सिलने के बाद मैं इसमें ट्रिमिंग और वापस राइट साइड में पलटना और ये ब्लैक स्ट्रिप लगाना आपको बताती। स्टिचिंग करने के बाद हम इससे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे ट्रिम करते हैं। ध्यान रहे हमारी स्टिचिंग कट ना हो। ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूं। अब हम इसको राइट साइड में लेके आएंगे इस प्रकार से। और जो अभी अभी हमने स्टिचिंग की थी और ट्रिमिंग की थी उस पर हम इस प्रकार से ऐसे एक और स्टिच देंगे। अब हम ये स्ट्रिप लेंगे और बैग के बॉटम सेंटर से जो हमने ये बाहर निकाला है इसके ऊपर ऐसे रख करके ऐसे स्टिच कर देंगे। ऐसे अब हम ये अपर पोर्शन पे आ गए हैं, तो इस पर भी हम हाफ इधर छोड़ते हुए ऐसे इस पर रखते हुए स्टिच कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पर हम इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको कट करेंगे
स्ट्रिप को और इसको ऐसे ही फोल्ड करके इसके ऊपर रख करके स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम इस स्ट्रिप को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और अब ये इसको इनर साइड ले जाते हुए इसकी साइड साइड में स्टिचिंग कर देंगे और ऐसा हम दूसरे वाली साइड भी करेंगे। ये हो गया हमारा ग्रोसरी बैग तैयार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।